हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको कीबोर्ड की कीज़ के बारे में बताया था लॉक और अल्फाबेट की के बारे में अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट कीज़ जो हैं वो हैं बैक स्पेस एंड डिलीट कीज़ टू डिलीट अ लेटर और वर्ड बिफोर द कर्सर यू कैन यूज़ द बैक स्पेस की देखिए अगर आपको कर्सर से पहले कोई भी वर्ड या फिर लेटर को डिलीट करना है इरेज करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं टू डिलीट अ लेटर और वर्ड आफ्टर द कर्सर यू कैन यूज़ द डिलीट की और कर्सर के बाद अगर हमें कोई लेटर या वर्ड को डिलीट करना होता है तो हम डिलीट की का यूज़ करते हैं देखिए बैक स्पेस और डिलीट की का यूज़ जो है वो दोनों का यूज़ जो है इरेज करने का ही होता है बट बैक स्पेस जो है कर्सर से पहले वाले वर्ड और लेटर को इरेज करती है और डिलीट की Uh, कर्सर के बाद वाले लेटर और वर्ड को डिलीट करती है फिर नेक्स्ट एंटर की दिस की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन ये की जो होती है वो कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके आती है ठीक है नेक्स्ट एरो की द एरो कीज़ आर यूज टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन इन एनी ऑफ फोर डायरेक्शंस ठीक है एरो की का यूज़ क्या करता है ये जो है कर्सर को स्क्रीन में फोर डायरेक्शंस आप डाउन लेफ्ट राइट यहाँ पे इस तरह से मूव कराने में हेल्प करती है अगर हमें कर्सर को अप साइड ले जाना है तो अप एरो का यूज़ करते हैं डाउन ले जाना है तो डाउन एरो का अगर राइट right ले जाना है तो राइट right एरो का और लेफ्ट की तरफ ले जाना है तो लेफ्ट एरो का यूज़ करते हैं नेक्स्ट है स्पेस बार की स्पेस बार की इज़ यूज टू मूव द कर्सर अहेड बाय वन स्पेस स्पेस बार की जो है वो कर्सर को वन स्पेस आगे लेके जाती है ठीक है वर्ड्स के बीच जब हमें स्पेस देना होता है या लेटर्स के बीच हमें स्पेस देना होता है तो हम स्पेस बार की का यूज़ करते हैं इट गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स नंबर्स और लेटर्स ये जो है स्पेस देता है टू वर्ड्स के बीच में नंबर्स के बीच में और लेटर्स के बीच में इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड और ये जो है कीबोर्ड पे सबसे लॉन्गेस्ट की होती है नेक्स्ट शिफ्ट की शिफ्ट की इज़ यूज विद अदर कीज़ फॉर डिफरेंट पर्पसेस शिफ्ट की जो है ये इसका यूज़ जो है ये बाकी कीज़ के साथ होता है ठीक है इसका अकेला खुद का कोई यूज़ नहीं है जब कोई दूसरी की भी इसके साथ ऐड हो जाती तब इसका कोई ना कोई अलग अलग काम होता है वी प्रेस इट विद अ लेटर टू टाइप इट इन अ अपर केस और जब हम इसको जो है किसी लेटर के साथ टाइप करते हैं तो वो जो चीज़ है वो अपर केस में वो होने लगती है अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में वो टाइप होने लगता है वी ऑल्सो प्रेस इट विद नंबर कीज़ टू टाइप द सिम्बल मेड ऑन दैम और हम जो है इसे नंबर कीज के साथ भी प्रेस करते हैं ताकि जो उस पर सिम्बल्स हैं वो टाइप होना स्टार्ट हो जाए ओके नेक्स्ट है माउस अ माउस इज़ अनदर इनपुट डिवाइस कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस माउस जो है वो भी क्या है एक इनपुट डिवाइस है जिसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं इट इज़ यूज टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन और इसका यूज़ जो है वो पॉइंटर को मूव करने का है स्क्रीन पे। पॉइंटर कह लीजिए चाहे कर्सर कह लीजिए ठीक है उसे क्या करता है वो स्क्रीन पे मूव करता है यूजिंग इट वी कैन सेलेक्ट एंड ड्रॉ द ऑब्जेक्ट एंड प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर और इसका यूज़ करके हम जो है और कोई भी ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं आइटम्स को ठीक है इसके अलावा हम गेम्स भी खेल सकते हैं कंप्यूटर पर कंप्यूटर की है वो माउस की हेल्प से नेक्स्ट मॉनिटर अ मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस मॉनिटर क्या होता है ये एक आउटपुट डिवाइस है दैट हैज़ अ स्क्रीन जिसके पास जिसपे क्या होता है स्क्रीन होती है इट डिसप्लेस वॉट एवर वी डू ऑन अ कम्प्यूटर और ये जो है वो क्या डिस्प्ले करती है जो भी हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर में वो उसको हम जो है मोनीटर पर आसानी से देख सकते हैं वी कैन ऑल्सो वॉच अ मूवी और अ कार्टून फिल्म ऑन अ मोनिटर इसके अलावा जो है हम इस पर मूवीज़ भी वॉच कर सकते हैं और कार्टून फिल्म भी नेक्स्ट सी पी यू देंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ अ प्रोसेसिंग डिवाइस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो क्या होता है एक प्रोसेसिंग डिवाइस है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर और ये तो आप सब जानते ही हैं कि सी पी यू को क्या बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है बिकॉज ऑल द वर्क इज़ डन बाई इट क्योंकि जितने भी काम कंप्यूटर में होते हैं वो सब किसकी हेल्प से, से होते हैं सी पी यू के हेल्प से होते हैं सो क्लास आई होप यू इन्जॉय माई क्लास तो आपका होमवर्क ये है कि आप इसके आगे जो है रीड करेंगे थैंक यू